तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर सुखविंदर सिंह सुक्कू है कौन। सुखविंदर सिंह सुक्कू ने हिमाचल प्रदेश के नादौन विधानसभा सीट से चुनाव जीता है, तो वहीं उन्होंने बीजेपी के विजय कुमार को 3,363 वोटों से हरा। सुखविंदर सिंह को 50.88% वोट शेयर के साथ में 36,142 वोट मिले, जबकि बीजेपी के विजय कुमार को 46.14% वोट शेयर के साथ 32,789 वोट मिले हैं। तो वही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शेखी टुकराल को महज 1,487 ही वोट मिले हैं। सुखविंदर सिंह को हिमाचल प्रदेश की मौजूदा राजनीति में धुरंधर माने जाते हैं। अब गोताए वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। तो ही 27 मार्च 1964 को हिमाचल प्रदेश के नादौन में जन्मे सुक्कू कांग्रेस से इसी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पिता का नाम रसिल सिंह है। सुखविंदर सिंह सुक्कू ने नादौन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से आपको LLB की डिग्री ली। वे 2003 में पहली बार विधायक बने और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुक्कू कांग्रेस के प्रचार कमेटी के प्रमुख थे और अब तक लड़े 5 विधानसभा चुनाव में से 4 बार जीत भी हासिल की। वे पहली बार 2003 में नादौन विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद सुक्कू ने 2007-2017 में भी चुनाव जीता। वे 2013 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखिए आज सुखविंदर सिंह सुक्कू है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल, आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। और शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी सहित कई नेता वहां पहुंचने वाले हैं और इससे पूर्व वहां समारोह की तैयारियां चल रही है। लेकिन जिस तरह की कवायद मुख्यमंत्री पद को लेकर चली वो जग जाहिर है और एक बार लग रहा था कि कहीं कहीं सुक्कू का नंबर नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो विधायकों की राय है उसके अनुसार सुक्कू को अवसर दिया है। और सुखविंदर सिंह सुक्कू एक आम कार्यकर्ता है, NSUI जैसी प्राथमिक इकाई से निकले हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और PCC के अध्यक्ष रहे, 4 बार विधायक सुखविंदर सुक्कू जिनके समर्थन में 22 विधायकों ने हाथ खड़े किए उनको पार्टी ने मौका दिया है। इससे पूर्व ही लग रहा था कि प्रतिभा सिंह इस मामले में कहीं कहीं आगे निकल रही है और उन्होंने आखिरी समय तक इस बात का दबाव बनाए रखा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। लेकिन जब विधायकों ने 40 में से 22 विधायकों ने सुक्कू के समर्थन में हाथ खड़े किए तो उसके बाद पार्टी आला कमान ने और विधायक दल के जो पर्यवेक्षकों ने जो मौके पे मौजूद थे उन्होंने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। अब उनका मुख्यमंत्री पद पर 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाएंगे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ दिलाई जाएगी और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी जो है शपथ लेंगे। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 5 साल बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से खुद के दम पर सरकार बनने जा रही है। ये बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है, MCD चुनाव में दिल्ली में जिस तरह सुपड़ा साफ हुआ है, इस बीच हिमाचल में उनकी पार्टी की खुद के दम पर सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है। आयुषी जी, देखिए नीरज जी, हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि देखिए राज्य कितना विकास करेगा, कितनी प्रगति करेगा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी एक अहम रोल इसमें माना जाता है। क्या लगता है सुखविंदर सिंह सुक्कू आज जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कितना विकास करता हुआ दिखेगा हिमाचल प्रदेश? देखिए ऐसी, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्कू एक आम कार्यकर्ता है, जैसा कि मैंने कहा कि वो कॉलेज के जमाने से NSUI से जुड़े हुए छात्र संघ अध्यक्ष रहे, पार्षद बने, विधायक बने और लगातार 4 बार विधायक है। उनके फादर जो है एक रोडवेज के ड्राइवर थे, तो एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आने वाले सुखविंदर सिंह सुक्कू है तो उन्हें आम आवाम की जो सामान्य आदमी की जो परेशानियां जरूरतें होती है सब बातों का ख्याल है।
और हिमाचल प्रदेश के ही वो रहने वाले हैं, तो उन्हें वहाँ के प्रदेश के लोगों की समस्याओं का पता है, इलाके की जो कमियां हैं, विकास में क्या क्या आवश्यक चीजें हैं उनको दूर करने की भी उन्हें जानकारी है। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से, फिर युवा है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से जो हिमाचल प्रदेश के विकास में है गति आएगी, और जो कहीं ना कहीं उनका एक विजन लेके वो चल रहे होंगे, जिस तरह का घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है, राजस्थान मॉडल को वहां लागू करने की बात कही थी, तो वहां जो निःशुल्क दवा योजना, किसानों को बिजली सस्ती, 3 लाख तक के कर्ज माफ, युवाओं को रोजगार, जो उनका मैनिफेस्टो है, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो की घोषणा की है, घोषणा पत्र जो तय किया है, उस घोषणा पत्र को वो हो सकता है पहली बैठक में ही उसको जो है सीएस को सौंप दे कि इसको हूबहू लागू किया जाएगा। तो जब ये अगर घोषणा पत्र को पहले दिन से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो देखिए इसकी जो विकास की गति है वो तेज होगी, और जो लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया है, जिस तरह का पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है, और उस माहौल के बीच में हिमाचल के लोगों ने अगर कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो बेहतरीन विकास करें और हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से दूसरे प्रदेशों से आगे ले जाने की कोशिश करें। यही उनका प्रयास होगा, यही उनकी कोशिश होगी। आयुषी जी, नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।